की मलाई मटर रेसिपी बनाने के लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे तेल ऐड किया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी इसमें, इसके बाद तेज़पत्ता डाल दूंगी मैं, जीरा छिटक रहा है, और बड़ी काली इलायची डाल दूंगी, और ½ इंच इसको दालचीनी डाल दूंगी, और इसके बाद मुझे ये हरी मिर्च पसंद है तो मैं हरी मिर्च डालूंगी, आप चाहे तो ना डालें। हरी मिर्च अच्छे से कलर छोड़ चुकी है, अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज, इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। प्याज को अच्छे ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से इसमें भूनूंगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर प्यूरी जो मैंने बना के रखी हुई है, एक बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है, वो इसको मैं भूनूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी 1/4 हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया, जीरा पाउडर 1/4 पिसा हुआ, और 1 बड़े चम्मच से सब्जी मसाला हम ऐड करेंगे, और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको हम फिर भूनेंगे। जिसमें टमाटर हमने ग्राइंड किया था, तो टमाटर मतलब था प्यूरी, उसको हम पानी खंगाल के डाल देंगे थोड़ा सा, और मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक कम हो तो बाद में और ऐड कर लीजिएगा, और मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता साइडों से। मसाला साइड से तेल छोड़ चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 पाव के तकरीबन मटर है वो ऐड कर देंगे इसमें। मटर मसाले के साथ अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक, जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। मटर सॉफ्ट हो चुका है और हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम मेथी को ऐड कर देंगे। मेथी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं मेथी और कम भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मेथी को ऐड कर दिया है। हम इसमें डालेंगे घर की निकली हुई फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे।
2 मिनट में यह सब्जी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी और स्वादिष्ट, और मेथी फ़ायदेमंद भी होती है। तो इस तरह से हमने मलाई को ऐड कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट की भी क्रीम ले सकते हैं, लेकिन मेरी ये मलाई दूध पर की निकली हुई है। और इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी 2 मिनट के लिए।